बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, कि मैं रात को ऐसी क्या चीजें लगाती हूँ, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे तो मेरे डार्क सर्कल भी बहुत हद तक कम हो गए हैं और मेरे पिंपल्स भी, मतलब अभी भी आते हैं ऐसा नहीं है, पर बहुत कम हो गया है आना। और मतलब अगर पहले 4 आते थे तो अब 1 ही 2 आते हैं और बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। तो वो सब मैंने कुछ अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं, तो उस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो मैं आज आपके साथ ऑनेस्ट अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहले जो मैं यूज करती हूँ ना, वो है, सबसे पहले तो मैं अपने फेस के सारे मेकअप को रिमूव करती हूँ एक अच्छे से मेकअप रिमूवर से। अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है ना और कॉम्बिनेशन स्किन नहीं है, देन आप कोई भी ऑयल से, जैसे कि कोकोनट ऑयल से भी अपने फेस के मेकअप को रिमूव कर सकते हो आप, और वो बेस्ट है। अच्छा, इस वीडियो में आगे और बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। लाइक जरूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि अच्छा, लोगों को मेरी चीजें पसंद आ रही हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अब के आपने मेकअप सबसे पहले रिमूव करना है। और अगर आपने मेकअप नहीं भी रिमूव किया, मतलब नहीं भी आपने लगाया है ना, तो फिर भी आपको अपने फेस को अच्छी तरह रिमूव करना है कोई ऑयल से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम दिन में ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसमें बहुत सारी डर्ट और इम्प्यूरिटीज हमारे फेस पे रहती है और वही बाद में जाकर हमारे फेस पे पिम्पल्स को जन्म देती है, आप कह सकते हो। तो उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। देन आपको एक अच्छे से फेस वॉश से, मतलब पहले तो मेकअप रिमूव कर लेना है या अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लेना है, एंड देन फिर भी फेस अच्छी तरह क्लीन नहीं होता है तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है। मैं जो फेस वॉश यूज करती हूँ वो है काया का फेस वॉश। वो भी मैं सबका जो वीडियो तो साइड में मैं दे ही दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं प्राइस और सभी का मैंने स्पेशली अलग से वीडियो भी बनाया है, सारी चीजों का एक अलग से रिव्यू वीडियो भी बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज आप चेक करना जाकर अगर आप चाहते हो। तो मैं काया का फेस वॉश यूज करती हूँ, जो कि अभी तक का मेरा फेवरेट फेस वॉश है, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। मैंने इस पर प्योर डिटेल में बात किया है, आप कमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। तो वो मैं यूज करती हूँ फेस वॉश के लिए, बहुत थोड़ा सा लेना पड़ता है और बस हो जाता है फेस वॉश। जैसे ही हो गया उसके बाद फिर मैं टोनर यूज करती हूँ। टोनर बेसिकली मैं जो रोज वाटर होता है वही नॉर्मल टोनर में यूज करती हूँ। मेरा जो स्किन है ना वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए टोनर जो रोज वाटर है वो बहुत अच्छा अपना काम करता है। तो रोज वाटर आप कोई भी ले सकते हो, बट अगर आप ध्यान रखो कि फालतू का फ्रेग्रेंस उसमें नहीं होना चाहिए जिससे आपके फेस पे थोड़ा सा इफेक्ट हो जाए, तो नॉर्मल रोज वाटर ही हो, कोई फालतू का उसमें केमिकल्स वगैरह ना हो, तो उस टाइप का आप रोज वाटर यूज कर सकते हो। ओके, रोज वाटर के बाद जो मैं यूज करती हूँ वो है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आप बोलोगे कि आप पेड़ का निकाल कर यूज कर सकते हो, नहीं प्लीज आप वो यूज मत करना। मैंने इस पे भी डिटेल में बात किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये जो एलोवेरा जेल होता है ना जो मैं यूज करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा, और मतलब क्या बताऊं, बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है, आप चेक कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे खरीद भी सकते हो, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मैं जो एलोवेरा जेल यूज करती हूँ वो ये है, आप देख सकते हो, ये बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल है। तो ये एलोवेरा जेल मैं यूज करती हूँ अपने फेस पे, और बहुत ही थिन लेयर अपने फेस पे लगा लेती हूँ। एंड उसके अलावा अगर मैं कभी एलोवेरा जेल नहीं यूज करना चाहूँ तो उसके अलावा मैं एक सीरम यूज कर लेती हूँ एलोवेरा जेल को स्किप करके। सीरम जो है वो है गुड वाइब्स का सीरम, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बात किया हुआ है, आप ये भी चेक कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट सीरम इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। तो बहुत अच्छा सीरम है और कम अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है आपको, तो सीरम वो बेसिकली आपको यूज करना ही चाहिए। मतलब बहुत अच्छा सीरम है यार, कम प्राइस में मिल जाता है। और वो सीरम यूज कर लेने के बाद मैं एक अच्छा सा लिप बाम यूज करती हूँ, और लिप बाम में अच्छा सा, मतलब कि बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 100, 150, 200 का लिप बाम नहीं, मैं वो सब भी यूज करती हूँ, बट ज्यादातर मैं प्रीफर करती हूँ बोरोलिन यूज करना। बोरोलिन आपके लिप्स को इतनी अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा ना कि मैं क्या बताऊं। रात के समय तो आपको बोरोलिन यूज करना ही करना चाहिए अपने लिप्स पे, और उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। छोटी सी जो बॉक्स आती है ना वो सिर्फ 10 रुपीज में मिल जाती है, आपको कोई भी जगह पे मिल जाएगा आराम से, तो आप वो यूज कर सकते हो। ओके, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता दूं, जो फेस वॉश मैं यूज करती हूँ ना काया का फेस वॉश, वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश है, तो एक्ने को तो कम करने में वो बहुत हेल्प करता है, बट क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड है तो बहुत सारा आपके स्किन को ड्राई कर देता है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। और बहुत अच्छा में आप सिंपल का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, न्यूट्रीजीना का, बहुत सारी ऐसी मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करे। मैं जो यहाँ पे यूज करती हूँ, मैं तो कभी कभी एलोवेरा जेल, और कभी कभी जब मुझे थोड़ा सा ज्यादा फील होने लगता है ड्राइनेस, तो मैं उस जगह पर अपना सीरम यूज कर लेती हूँ, आप भी जब चाहे यूज कर सकते हो। ओके, तो ये था मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, बहुत सिंपल सा और बहुत ही क्लासी सिंपल सा था, तो और सभी बजट में है क्योंकि मैं खुद बजट वाली चीजें ही यूज करती हूँ,
अनफॉर्चुनेटली आप समझ सकते हो, तो वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से इफेक्ट भी करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो ये जो हो गया आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसका नेम और जो लिंक है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाली हूँ, तो अपने जो क्वेश्चन है ना वो लिख कर रख लेना। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आई होप आप सेफ हो, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा है, तो आई होप आप घर पे हो, सेफ हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।